पिछले दिनों में जो संसद में घटनाक्रम हुआ वो हम सबके सामने है। लगभग पूरे विपक्ष को निलंबित कर देना, लोकसभा में राज्यसभा में 140-140 सांसदों को निलंबन करना, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा गलत काम हुआ है संसद के अंदर। और सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के लोग इससे इसको गलत ठहराते हैं, इसका विरोध करते हुए हम सब लोगों ने आज जयपुर में राजस्थान विधानसभा के अंदर अपने हाथों पे काली पट्टी बांधी। हम सभी देख रहे हैं पिछले दिनों में जो संसद में घटनाक्रम हुआ वो हम सबके सामने है। और संपूर्ण विपक्ष ये मांग कर रहा था कि सरकार का एक बयान आए जो पार्लियामेंट में घटना हुई 13 तारीख को, उसके बदले में लगभग पूरे विपक्ष को निलंबित कर देना, लोकसभा में राज्यसभा में 140-140 सांसदों को निलंबन करना, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा गलत काम हुआ है संसद के अंदर। और सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के लोग इससे इसको गलत ठहराते हैं। आज हम लोगों ने विधानसभा के अंदर काली पट्टी बांधकर इस अलोकतांत्रिक कदम का विरोध किया है। और मैं मानता हूँ कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम केंद्र की सरकार कर रही है। संसद में अगर कोई जवाब मांगता है या जवाबदेही तय करता है तो विपक्ष को निलंबित कर सदन के बाहर करने का जो ये लगातार क्रम बढ़ रहा है, पहले एक दो बार होता था, अब लगातार हो रहा है। और 30-40-50 150 सांसद अगर निलंबित हो जाएंगे तो लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं है। इसका विरोध करते हुए हम सब लोगों ने आज जयपुर में राजस्थान विधानसभा के अंदर अपने हाथों पे काली पट्टी बांधी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।